क्या हुआ था, क्या बुरी घटनाएं बताएं? इरफान मेरे घर पे आता था, थोड़ा तेज बोलिए। इरफान मेरे घर पे आता था, आता जाता रहता था। फिर उसने मेरे से बातचीत करी, फिर मेरे को उसने मिलने बुलाया कि तुम ऐसे मिलना, मैं ही मिलने गई थी, मेरे साथ गलत काम करा। किसने? इरफान ने। और मुकेश अलावत के पास भी लेके गया मेरे पे। उसने मेरे साथ हाथापाई करी, बहुत गलत काम करा मेरे साथ। या फिर गलत काम भी करा मेरे साथ। किसने गलत काम किया? मुकेश अलावत ने। और इरफान। उसके अलावा और भी कोई लोग? नहीं, और कोई नहीं था। क्या हुआ था, कब की घटना है, कब से आप इनको दोनों को जानते हैं? 10 साल से। कैसे जानते? इरफान वो हमारे घर के आते जाते रहे, जाना पड़ोसी था। मेरे को धमकिया देता कि तू मेरे पास नहीं आएगी तो मैं तेरे भाई को मारूंगा, भतीजे को मारूंगा। तो मैं जाती थी, मेरे को मंगोलपुरी के टेंशन पर भी लेके गया वहाँ पे। मेरे साथ गाड़ी में तुम गलत काम करा, मेरे को मारा भी वहाँ पे, और रवि नगर में भी मारा मेरे को बहुत बारी। एम एल ए घर पर मेरे साथ उसने गलत काम करा, मेरे को मारा भी वहाँ पे बिग सेक्टर में। एमएलए कौन से एमएलए की बात करें, कौन है एमएलए जानते हैं? मुकेश अलावत। थोड़ा सा ऊपर बहुत कर दे, कोई बात नहीं, ढक लेना, इसको ऊपर कर लो और ऊपर कर लो थोड़ा, चले बेटे डरने की जरूरत नहीं है, सच बता दो। बस तुम थाने आई रिपोर्ट की तो नहीं लिखी? नहीं, थाने की तो धमकी देता था, बोला मुकेश अलावत तू मेरा क्या करेगी। एक मिनट, दोबारा कोई बात नहीं, ढक लो, ऊपर कर लो, और ऊपर कर लो, चले डरने की जरूरत नहीं है, सच बता दो। नहीं, थाने की तो धमकी देता था, बोलता मुकेश अलावत तू मेरा क्या करेगी, जैसे बोलता था थाना तो मेरा है, बोलता था तुम्हें तो कुछ। अब आप ये आपके साथ गलत काम किया? इरफान ने और मुकेश अलावत ने अभी तो यही बोल रहे हैं कि तेरा भाई हीरा है, हीरा है तेरा भाई, यही बोल रहे हैं कि तेरा भतीजा, तेरे भतीजे पे डरा रहे हैं मेरे को। यूं कह रहे हैं पुलिस वाले कि तेरे भाई क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इरफान पे और इरफान क्या करता है? सट्टा कोई ब्लैकमेल भी किया गया था आपको? ब्लैकमेल भी किया गया था आपको? कोई रिकॉर्डिंग वगैरह भी आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है? कुछ वो रिकॉर्डिंग वाला फोन था, इसने छीन के मेरा सब तोड़ दिया। ये सब सारा कुछ जो मामला आप बता रहे हैं, कितने दिनों से चल रहा है आपके साथ?